ओके, तो ये है गंगोत्री धाम का प्रवेश द्वार। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, तो आइए चलते हैं। ओके, तो ये है मेन गेट और यहाँ पर लगी हुई है भीड़। क्या अंदर फुल मॉल से? तो फाइनली ये है गंगोत्री मंदिर। और भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है, लाइन नीचे से लगी हुई आ रही है, लाइक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। इसके नीचे जो घाट है वहाँ से लाइन शुरू हो रही है और यहाँ तक लगी हुई है। दर्शन करने पहुंच चुके हैं, अब इससे आगे तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो हम फटाफट दर्शन करके आते हैं। तो ये है गंगोत्री धाम और अभी अभी हम दर्शन करके आ गए, बहुत भीड़ है तो इतने आराम से दर्शन करने तो देंगे नहीं, जो भी अधिकारी लगे हुए हैं या मंदिर प्रशासन में जो भी लगा हुआ है, तो फटाफट से दर्शन किए और हम बाहर आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दर्शन करने के लिए एक्चुअली कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखो नीचे घाट से जो है दर्शनार्थियों की लाइन लगी हुई है और वो उधर से घूम के आते हुए और ये पूरी लाइन लगी हुई है और ये लाइन जो है मंदिर तक गई हुई है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए। तो इतने लोग गंगोत्री में दर्शन करने आए हुए हैं। और अपने मेन दर्शन तो हो गए गंगोत्री मंदिर के, अब इसके अलावा जो बाकी मंदिर हैं जो कि घाट के पास है, यहाँ नीचे जो घाट के पास है उनमें भी दर्शन करेंगे। तो गंगोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भगीरथ तपस्थली में भी ज़रूर दर्शन करें। ऐसा माना जाता है कि भगीरथ जी ने इसी स्थान पे बैठ के गंगा जी को धरती पे लाने के लिए तप किया था।